पांच-दस साल पुरानी बिल्डिंग है, उससे भी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। और इसमें पहले कपड़े का शोरूम चल रहा था। कुछ दिन पहले इसमें एक ड्रेन भी अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग की हालत और ख़राब हो गई। इसी वजह से ये बिल्डिंग ऑलरेडी इवैक्यूएट करा दी गई थी, खाली बिल्डिंग थी, कोई इसमें हताहत नहीं है। और बहरहाल एनडीआरएफ की टीम और सब हमारी ट्रेन और जेसीबी मौके पर कराया जा रहा है। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बिल्डिंग खाली थी और उसमें कोई हताहत नहीं है। मौके पर खड़े हुए हैं, बिल्डिंग भी खाली कराई गई थी। आज शाम में भी इसकी हालत ज़्यादा खराब दिख रही थी, तो रोड भी खाली करा दी गई थी। इसीलिए सूचना है, हम लोग सब मौके पर टकराया था। और इसके बाद जो स्थिति थोड़ी जर्जर हो गई थी, प्रशासन ने एहतियातन क्या कदम उठाए इसके बाद? उसी के बाद ये बिल्डिंग है, वैसे ही सूचना मिली कि इसमें क्रेन घुस गई है, जो दुकान इसमें लगती थी उसको खाली करा दिया। इसीलिए मैंने बताया कि बिल्डिंग पहले ही खाली, बड़ा हादसा हो सकता था मैम, चालू रास्ता है, संयोग है कि कोई दबा नहीं है, बड़ा हादसा हो सकता है, तो प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या कदम उठाया? जैसा कि मैंने बताया कि संयोग के साथ साथ पहले से ही सूचना मिल गई थी कि ये बिल्डिंग जर्जर है, इसीलिए इस बिल्डिंग में एक दुकान लगती थी उसको खाली किस तरह की प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी खाली कर कार्रवाई किस तरह की बनती है मैम, क्या कार्रवाई? अगर किसी का दोष होगा तो इसमें कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल ना कोई हताहत है, ना बिल्डिंग में कोई था, और प्रशासन जो लोकल पुलिस है, जो लोकल नगर पालिका है, उन्हीं के द्वारा ये संयुक्त रूप से बिल्डिंग जर्जर होने की सूचना प्राप्त होने के बाद तत्काल रूप से खाली करा, आसपास की इमारत को खाली कराया गया।